न्यूमेरिकल्स स्क्रू गॉज से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स देखो क्या लिखा हुआ है, पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 0.5 mm। जितने भी डेटा होगा अपने पास हम सारा क्या करेंगे, नोट डाउन करते चले जाएंगे। तो लिख दो पिच कितने का दिया है, 0.5 mm मिल गया। एंड द हेड स्केल इज डिवाइडेड इन टू 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स में क्या किया गया है हेड स्केल, तो टोटल जो आपके पास सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो कितने का है, 100 का है। और फाइंड क्या करनी है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला है अपने पास, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है याद है ना, पिच बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितने का है, 0.5 बाय 100, और ये क्या मेरा मिल रहा mm इक्वल्स टू। तो अब चलो जरा सा लिख दो वैल्यू क्या निकलना है, 0.005 mm। तो ये वैल्यू निकल के आ गया, आप सीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आ रहा है कि अपने पास द थिम्बल ऑफ द स्क्रू गॉज है 50 डिविजन्स। तो स्क्रू गॉज जो इस बार हमको दिया हुआ है उसके सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स लिखे हैं, टोटल 50 डिविजन्स हैं। तो हम लिख लेते हैं टोटल CST सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना, 50। द स्पिंडल एडवांसेस 1 mm। देखो स्पिंडल जो मेरा डिस्टेंस मूव कर रहा है उसको आप क्या बोलते थे, पिच। लेकिन कितने बार में, स्पिंडल एक मिस रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करता था उसको आप पिच बोलते थे। तो 1 mm तो मेरा एडवांस कर रहा है, लेकिन कब, व्हेन द स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रिवोल्यूशन। तो ये 1 mm का डिस्टेंस मेरा 2 रिवोल्यूशन में कंप्लीट हुआ है। तो चलो कर लेते हैं, तो आप पिच निकालो। तो पिच इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्या लिखते हो, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2 mm इक्वल्स टू 0.5 mm। ये मेरा क्या निकल आया, तो पिच निकल आ गया। अब फाइंड क्या करनी है हमको, पिच पहला निकल गया मेरा, दूसरा क्या फाइंड करना हमको, लिस्ट काउंट। तो दूसरा लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला है फिर मेरे पास, क्या फॉर्मूला है, पिच बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितने का है, 0.5, और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने का है, 50। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलना आपके पास, 0.01 mm। ये आपके पास क्या हो गया, वैल्यू निकल आया। तो न्यूमेरिकल्स नंबर 3 करते हैं, क्या लिखा हुआ, पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 1 mm लिख दिया है। लिख दो अपना पिच कितने का है, 1 mm। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन, तो CST कितने का अपने पास, 100। और क्या क्या दिया है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब हमको क्या फाइंड करनी है, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के लिए जो भी हमको चाहिए था डेटा वो सारा का सारा अवेलेबल है। तो लिस्ट काउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दो, पिच बाय CST लगा दिए। पिच कितने का अपने पास है, 1/2, और CST कितने का है, 100, और ये क्या निकला, mm इक्वल्स टू 0.01 mm निकला, इक्वल्स टू 0.001। ये क्या निकलेगा, cm, 10 से डिवाइड कर देना, ये क्या निकला आएगा, सेंटीमीटर। अब अपना ने क्या निकालना है, सेकेंड वन डायमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए आपको बता दिए थे हमको क्या क्या चाहिए, मेन स्केल रीडिंग चाहिए, सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए, और दोनों को ऐड करना है। तो चलो इसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, इन मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर द मेन स्केल रीड्स 2 mm। तो मेन स्केल का रीडिंग अपने को दे दिया, MSR कितने का है, 2 mm है। कन्वर्ट कर लेते हैं CM में, तो कितना निकलेगा, 0.2 cm। आप 10 से डिवाइड कर लेना। और इसके बाद फिर और क्या दिया है, 45th मार्क ऑन द सर्कुलर स्केल कॉन्साइड्स विथ, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्साइड मेरे पास कितने का आया, 45। तो MSR निकल चुका है, और डायमीटर निकालने के लिए और क्या चाहिए, CSR चाहिए। तो CSR का फॉर्मूला तो पता ना आपको, CSR इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ कॉन्साइड इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट, पॉइंट ऑफ कॉन्साइड 45 इंटू लिस्ट काउंट कितने का है, 0.001, ये cm, क्योंकि सेंटीमीटर लेना हमको, इक्वल्स टू कितना निकला, 0.045
सी एम, और आपको फाइनल वैल्यू क्या निकला, डायमीटर निकालना है, तो लिख दो डायमीटर इक्वल्स टू एम एस आर प्लस सी एस आर इक्वल्स टू, एम एस आर कितने का आपके पास है, ये 0.2 प्लस, और ये कितने का है 0.045, ये क्या सी एम इक्वल्स टू 0.245 सेंटीमीटर, ये क्या निकला आया डायमीटर निकला आया। तो मेरे का नंबर फोर करते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हेन द स्क्रू गॉज ऑफ द लीस्ट कॉन्ट कितना 0.01 mm, लिख दो लीस्ट कॉन्ट कितने का दिया है 0.01 मिलीमीटर इक्वल्स टू, क्योंकि हमको सारा वैल्यू किससे फाइंड करनी है सेंटीमीटर, इक्वल्स टू क्या निकला है 0.001 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास क्या 10 से डिवाइड कर लेना निकल आएगा, तो लीस्ट कॉन्ट तो निकल आया। और क्या बोलता है, स्लीव रीडिंग ऑन द स्लीव इज फाउंड टू बी 1 mm, तो स्लीव का रीडिंग मतलब क्या, मेनिस्कल रीडिंग कितने का है 1 mm का है, और इसको चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, 10 से डिवाइड कर दो तो 0.1 सेंटीमीटर, ये मेरे पास क्या निकल गया मेनिस्कल रीडिंग। अब जरा से फिर देखो हमको क्या फाइंड करनी है, डायमीटर फाइंड करनी है, तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए सी एस आर चाहिए, और सी एस आर के लिए चाहिए क्या क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट चाहिए और क्या चाहिए लिस्ट कॉन्ट चाहिए, तो पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द रीडिंग ऑन द थिम्बल इज फाउंड टू बी 27 डिवीजन, तो थिम्बल पे मतलब सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन मैच करता है किसके संग, मेन स्केल के संग, और 27 लिख दो 27 इंटू लिस्ट कॉन्ट कितने का है 0.001 और ये क्या है सेंटीमीटर इक्वल्स टू, क्या वैल्यू निकल के आ गया 0.027 सेंटीमीटर, ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गया। एम एस आर निकल गया, सी एस आर निकल गया, अब हमको फाइंड क्या करना है डायमीटर फाइंड करनी है, तो डायमीटर मतलब क्या ऑब्जर्व्ड रीडिंग, तो ऑब्जर्व रीडिंग का लगा दो एम एस आर प्लस सी एस आर, तो सी एस आर, तो एम एस आर कितने का है 0.1 प्लस सी एस आर कितने का है 0.027 सेंटीमीटर में, इक्वल्स टू कितना निकला 0.127 सेंटीमीटर, ये वैल्यू निकल गया। तो पहला वाला पार्ट जो मेरे पास था वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, अब इस बार क्या क्या आपको जीरो एरर दे दिया है और क्या बोला क्या करेक्ट रीडिंग फाइंड करो, तो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला है आपके पास, करेक्ट रीडिंग इक्वल्स टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, और किसके संग साइन के संग, इक्वल्स टू करेक्ट रीडिंग ले लो कितने का है 0.127 माइनस, और जीरो एरर कितने का दिया है प्लस 0.005 प्लस 0.005 इक्वल्स टू क्या निकला 0.127 सेंटीमीटर में सारा वैल्यू है माइनस 0.005 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.122 सेंटीमीटर, ये आपके पास वैल्यू निकल आया। तो अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फाइव, क्या लिखा हुआ, स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, चलिए जो भी दिया हुआ है डेटा सारा लिखते चले जाएंगे 50, तो सर्कुलर स्केल डिविजन मिल गया, स्क्रू मूव्स बाय 1 mm, चलिए स्क्रू मूव्स तो किया 1 mm ऑन टर्निंग इट बाय 2 रोटेशन, कितने रोटेशन में 1 रोटेशन 2 रोटेशन में, और हमको फाइंड क्या करना है पहला कंडीशन पिच फाइंड करनी है, तो पिच क्या होता है कि 1 रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर्ड होगा उसको आप पिच बोलते हो, लेकिन अभी मेरे पास कितने का दिया है 2 रोटेशन का, तो फाइंड कर लेते हैं पिच इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रोटेशन इन 1 रोटेशन इक्वल्स टू, तो कितना निकल आएगा 1/2 mm इक्वल्स टू 0.5 mm, ये आपके पास निकल आया, क्या निकल आया पिच निकल आया। दूसरा जो फाइंड करनी है हमको लिस्ट कॉन्ट फाइंड करनी है, तो लिस्ट कॉन्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो लिस्ट कॉन्ट के लिए आपके पास सीधा कुछ नहीं करना है फॉर्मूला लगाना है, तो लिस्ट कॉन्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था पिच बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो पिच कितने का है 0.5 का और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने का है 50 का है, तो आपके पास कितना निकल आएगा 0.01 ये mm निकल आया, तो ये आपके पास क्या निकल आया लीस्ट काउंट। और जो थर्ड नंबर हमको फाइंड करनी है, थर्ड क्या फाइंड करनी है जीरो एरर फाइंड करनी है। अब जीरो एरर में मेरा क्या होता है साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो देख लो जरा सा आपके पास सर्कुलर स्केल है का,
द सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द बेस लाइन. बिलो द बेस लाइन मतलब क्या, मेन स्केल के नीचे है, बिलो है. तो ये कौन सा जीरो एरर आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर आएगा. और जीरो एरर के लिए फॉर्मूला क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्सैक्ट. पॉइंट मीन्स पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए फिर अलग फॉर्मूला है, पॉइंट ऑफ कॉन्सैक्ट इंटू लिस्ट काउंट. तो पॉइंट ऑफ कॉन्सैक्ट आप जो फाइंड करते हैं एंड फोर्थ डिविजन ऑफ इट सर्कुलर स्केल इज इन लाइन विद द बेस लाइन. मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्सैक्ट कौन सा आपके पास है, फोर. तो लिख दो फोर इंटू कितना, 0.01 और ये क्या mm इक्वल्स टू प्लस 0.04 mm, ये आपके पास निकल आया. करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6. क्या लिखा हुआ है आपको, एक लिखा ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक फिगर दिया हुआ है. फिगर है मेरे पास, मेन स्केल सर्कुलर स्केल सब कुछ दिया हुआ है. और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन क्या करना है आपको, उनको गैदर करना है. तो चलिए जरा सा गैदर कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है. तो मेन स्केल जो है कैलिब्रेटेड है, किसमें है, मिलीमीटर. तो सबसे पहले जो हमको फाइंड करनी है, पिच फाइंड करनी है. तो पिच क्या है पता ही आपको, एक बार सर्कुलर स्केल को रोटेट कराओ जितना मूव करेगा पिच लिखा हुआ है. सो द रीडिंग ऑब्टेंड वाली इतना. अब यहाँ लिखा हुआ क्या है, द स्क्रू एडवांसेस. क्या लिखा है देखो, यहाँ इस पोर्शन को पढ़ना है, स्क्रू एडवांसेस बाय वन डिवीजन ऑन मेन स्केल व्हेन द सर्कुलर हेड इज रोटेटेड वंस. एक बार रोटेट करो, तो एक बार रोटेट करने में आपके पास जो निकल के आया तो उसको आप क्या बोलते हो, पिच. तो पिच का आप लिख दो इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन. इन वन रोटेशन कितना डिस्टेंस है, वन, मतलब क्या हो जाएगा, 1 mm का. दूसरा मेरे पास निकल आया क्या, अब आता है क्या दूसरा, लिस्ट कॉन्ट नंबर 2. तो लिस्ट कॉन्ट के लिए पिच तो मिल चुका है और एक वैल्यू चाहिए, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने पास. देखो 40 और फिर यहाँ 0, तो टोटल काउंट करोगे तो ये कितना निकलेगा, 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक, 40 एंड 10 50. तो टोटल जो CST मेरे पास है सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने का है, 50. देख लो यहाँ पे कंप्लीट रीडिंग लिखा हुआ है 50. चलिए लिस्ट काउंट फॉर्मूला लिख दो, मिस पिच बाय टोटल CST. तो पिच कितने का है, 1 mm का और 1 mm का और 50 इक्वल्स टू 0.02 mm, ये निकल आया. और तीसरा जो हमको फाइंड करनी है, तीसरा क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ द वायर. तो डायमीटर के लिए हमको क्या क्या चाहिए, MSR चाहिए और CSR चाहिए. तो चलो पहले MSR. MSR आपको सबसे शुरू में ही बताया थे कैसे निकालोगे. तो सर्कुलर स्केल के पहले का जो रीडिंग है उसको आप क्या बोलोगे, MSR. गिन लो 1, 2, 3, 4 निकल आया, तो 4 mm ये मेरा निकल आया. और CSR के लिए फार्मूला है आपके पास, क्या फार्मूला है, पॉइंट ऑफ कॉन्सैक्ट इंटू लिस्ट कॉन्ट. तो लिस्ट कॉन्ट भी अपने पास निकला हुआ है. अब जो फाइंड करनी है पॉइंट ऑफ कॉन्सैक्ट. तो ये देखो जो आपके पास सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास क्या हो रहा है, मेन स्केल के संग मैच कर रहा है. तो ये पॉइंट कितने का है, 45, 46, 47. तो कौन सा है, 47. तो ये 47 आप क्या करो, ले लो. तो पॉइंट ऑफ कॉन्सैक्ट कितना, 47. और इनटू लिस्ट पॉइंट कितने का है, 0.02. अब ये क्या निकल आया, mm इक्वल्स टू 0.94. ये क्या निकलेगा, mm. तो अब आपके पास निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है. तो डायमीटर के लिए आपके पास लिख देते हैं यहीं पे. तो डायमीटर इक्वल्स टू MSR प्लस CSR. तो MSR है कितने का, 4 mm का, 4 प्लस और ये कितने का है, 0.94 ये mm इक्वल्स टू 4.94 mm. ये आपका न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया.